एक ऐसा पेड़ बन चुका है भरत कि उस पेड़ के नीचे कई 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 लोग जो है जीवन को बिता रहे हैं। कुछ भी हेल्प करने का या कुछ आपको गारंटी देना है तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। वंस ही सेज ही विल नॉट कम बैक व्हाटएवर द रिजल्ट्स मे बी। आप I can say he will be the competitor to me in all respects. T.G. Bharat, एक ऐसा शख्स जो अरबपति के घर पैदा होकर भी अपनी पढ़ाई और अपने खानदान की परवरिश की सीख को लेकर अपने बलबूते और मेहनत तो जुस्तजू से अपने वालिद के कारोबार को जो कर्नूल से लेकर इंटरनेशनल में भी फैलाकर एक अपना सिक्का जमाए रखा। भरत एक ऐसा इंसान जो मेहनत और डिसिप्लिन के नामों से भी जाना जाता है, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर कारोबार या फिर कोई भी जगह, डिसिप्लिन ही भरत का अहम हथियार है, जिसके चलते भरत ने आज एक अपना मुकाम बनाया कारोबार में, दोस्ताने में, इंसानी खिदमात में और सियासी मैदान में भी। इसीलिए इनके वालिद टीजी वेंकटेश का कहना है कि इंसानी खिदमात, कारोबार और सियासी मैदान में शायद टीजी भरत ही मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रहेगा। भरत टीजी वेंकटेश के घर 5 अगस्त 1977 में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल कर्नूल से शुरू की और इंटरमीडिएट गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, जो आज भी टाउन मॉडल कॉलेज के नाम से जानी जाती है, वहां से पढ़ा और उन्होंने अपनी डिग्री उस्मानिया कॉलेज से की। उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए टीजी भरत ने अपनी पढ़ाई मद्रास और लंदन में भी की। और वही टीजी भरत के उस्ताद जो उस्मानिया कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाते हैं हिंदी सब्जेक्ट के, उन्होंने कहा कि टीजी भरत एक होनहार और डिसिप्लिन्ड और जिम्मेदार स्टूडेंट था जब वो ये कॉलेज में पढ़ रहा था। उन्होंने टीजी भरत के बारे में कहा, टीजी भरत उस्मानिया कॉलेज का छात्र 1994 से लेकर 1997 का जो बैच है उस बैच में टीजी भरत पढ़ा था और जिस दिन कॉलेज में दाखिला लिया उस दिन से पढ़ाई पूरी हुई तक एकदम सिंसियर था। इतना सिंसियर कि जो काम जो बात हम पढ़ाते थे जो लेसन पढ़ाते थे जिसको ठीक से घर में जाकर बैठ के पढ़ता था। इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा रईस, जो कर्नूल का जाने माने रईसों में पहले दर्जे पर आता है, पहले नंबर में आता है, तो ऐसा बच्चा जो भी हम पढ़ाते थे, जो भी बोलते थे, जो भी होमवर्क देते थे उसको बराबर करके ले आता था और उसके पास इतनी भी फकर नहीं थी और अपने साथी दोस्तों के साथ इतना अच्छा मिलता था, मिलजुल के खेलता था और शटल में वो टॉपर था, कॉलेज को कई मेडल्स भी लाया है वो टीजी भरत। और इसके पास मोहब्बत ज़्यादा थी, जो दोस्तों के साथ पढ़ते जमाने से जैसा रवैया रखा था वैसे ही आज भी है। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है भरत को देखने के बाद कि जब हम भरत से मिलने के लिए जाते कॉलेज के कामों से, उस्मानिया कॉलेज का मैनेजमेंट, उस्मानिया कॉलेज का प्रिंसिपल, उस्मानिया कॉलेज के लेक्चरर्स, सबके सब लोग बहुत खुश हैं। हम लोग अक्सर जब भी मैं एक टीचर के नाते जब भरत से मिलने जाता हूँ तो सोचिए कि भरत मुझसे एक बच्चा, एक बेटा जैसा बाप से मिलने के लिए आता है, जितनी अदब रहती है वो अदब आज भी है। इतना बड़ा बच्चा, इतने बड़े पैसे वाला, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे दुनिया में इसके इंडस्ट्रीज है, अरे कम से कम इतनी भी गुस्सा उसके चेहरे पर मैं नहीं देखता। मैं जाते ही उठ के आके हाथ मिलाता, सर कैसे हैं सर, बैठिए सर, ऐसी अदब सीखना है। यही नहीं, पैदाइश ऐसी, घराना ऐसा है, दोस्त ऐसे हैं, सबका जो अच्छा भाव अनुभव, सबका स्वभाव से मिलकर आज एक ऐसा पेड़ बन चुका है भरत कि उस पेड़ के नीचे कई 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 लोग जो है जीवन को बिता रहे हैं। भरत का जो असर उनके दोस्तों पर भी पड़ा है और हम पर भी पड़ा है। मेरे स्टूडेंट कहना मुझे फख्र की बात है
लेकिन मैं कहता हूँ भारत का गुरु मैं हूँ, ये मुझे बहुत फख्र की बात है। और मैं भारत के परिवार में उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, विभू है, पानिया बेटे, बेटा बेटी, इनसे भी बहुत अच्छा संबंध है। हम जाते ही बच्चे आकर इतना प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, इतनी पानिया हो या विभू हो, सबके सब बच्चे भी ऐसे ऐसा जैसा बाप का असर है उसी प्रकार का प्रभाव बच्चों पर पड़ा है, बच्चे भी अच्छे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भरत जैसे भरत को चांद के तरह सूर्य चांद रहे तक तो उसकी यश बढ़ते रहे, उसकी उम्र रहे, और उसके साए के नीचे कई लाखों लोग जिए, और एक से बढ़कर एक पद पर जाकर पोस्ट पोजिशन में जाकर वो खुशी से रहे, और उसके द्वारा सारे लोग खुशी से जीवन को बिताए। आमीन। मंसूर अली खान सूरी जो टीजी भरत के दोस्त भी हैं और भरत के ही ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, खान साहब का कहना है कि भरत के साथ दोस्ताना और नौकरी में पूरे 30 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन ये दिन कैसे गुजरे उन्हें पता ही नहीं चला। और खान साहब ने यह भी कहा कि वेल प्लान्ड और काइंडली हार्टेड भरत जैसा दोस्त मिलने पर उन्हें फख्र है। 91 में हम लोग गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज्वाइन हुए अकाउंट्स एंड टैक्सेशन ग्रुप में, साथ में पढ़ते थे। उसके साथ बाद कुजमाना कॉलेज, देन इट इज़ नाउ ईयर 2022। बाद तो जब साथ में जाते थे तो अपनी साइकिलों पे, फिर गाड़ियों पे अपने आप से चेंज कर लेना, उनकी साइकिल हम चलाना या गाड़ी चलाना, उन अपनी गाड़ी चलाना, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर हम लोग सफ़र में भी रहे परचेज़ के सिलसिले में या फ्रेंडली पिकनिक के सिलसिलों में हम लोग जाते रहे। तो उसमें मुझे अच्छा याद है कि कभी ऐसा भी वक्त आता था कि नमाज का टाइम होता था, अगर हम नियत करें कि जुमा की नमाज है पढ़ना है, तो अक्सर वक्त के साथ गाड़ी रुक जाती थी और हम लोगों की नमाज मुकम्मल होने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ती थी। तो उनका इस तरह से दोस्ती को वैल्यू देते, खाने के लिए भी ऐसे ही होता था जैसे नॉनवेज रेस्टोरेंट में हम लोग ज़्यादा, तो सीधा गाड़ी नॉनवेज रेस्टोरेंट को रुकती थी, हालांकि उनको वेज खाना है फिर भी हमें नॉनवेज खिला के वो सेटिस्फाई होते। आज भी वही सिलसिला है। इट्स वेरी वेरी मच केयर ऑफ यू, उनके साथ है तो आप भूल जाना कि आप क्या खाना है, क्या कहाँ रहना है, क्या ही विल टेक कम्प्लीटली ही इज प्लान्ड। और जब हम लोग कॉलेज का टाइम होता था तो सीधे ग्राउंड की तरफ बढ़ते थे क्रिकेट खेलने के लिए। एक्चुअली उनका गेम शटल है, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, ही हैज़ प्लेड टू वेरी गुड लेवल्स ऑल्सो, और ही हैज़ वन सो मेनी गेम्स और शील्ड्स भी है उनके पास। तो क्रिकेट हम घर के पास खेलते थे, कभी स्टेडियम में खेल लेते थे, कभी एसटीबीसी में भी खेलते थे। तो देन ही यूज टू टेक द स्कोर, यानी स्कोर गिनना या स्कोर का ख्याल रखना उनका अपना खुद इंटेंशन रहता था। हर रन के बाद ही यूज टू वेरीफाई ये आपका स्कोर है, ये हमारा स्कोर है, एंड एवरी ओवर के बाद भी उन्होंने स्कोर गिन के बताते थे कि नहीं नहीं ऐसा है, इसका स्कोर ऐसे है। एंड ही यूज टू शाउट फ्रॉम वेर एवर ही इज इन द फील्ड, वहां से आवाज लगा के बोलते तो कि भाई ये तुम्हारा स्कोर है, अब एक रन हुआ है, ऐड अप करो, इतना आपका स्कोर है और हम इतनी दूर हैं। सो बहुत मज़ा आता था साथ में खेलने का, साथ में एंजॉय करने का उसका। तो राइट वहाँ पे ही टेक्स केयर कि भाई तुम ये डिविएशन नहीं होना, गेम कैरम्स भी ऐसे ही खेलते थे। 90 से लेके 2022 वी आर विथ हिम एंड ही इज ऑल्सो विथ अस, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे साथ है। ही हैज़ हेल्प सो मेनी पीपल इन हिज लाइफ, आवर फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हमारे फ्रेंड्स जो ड्रॉप आउट हुए थे इंटरमीडिएट में, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के ड्रॉप आउट हुए थे, देन टिल नाउ दे आर वर्किंग विथ हिम इन हिज कंपनी एंड सो मेनी फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी गुड सेटल्ड। मैं भी साथ में था, साथ में हूँ, साथ में हमको अच्छा लगता है। आप
हमारे घर पे भी काफी दावतों में, यानी रेगुलर जब भी बुलाते ही विल नॉट डिनाई व्हेन ही गिव्स वर्ड कि मैं आ रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ या मैं हूँ, देन ही विल बी देयर टिल एंड, ही विल नॉट लीव यू इन मिडिल, और ही विल नॉट से आई कांट, या अब तक ऐसा मैं सुना भी नहीं ना मुझे इसका कोई इलम है कि ऐसा हुआ ऐसा ये बात हुई थी फिर इसके बाद चेंजेस है, नो ही विल स्टिक टू दैट एंड ही विल डू इट। मुझे बहुत बहुत सारे किस्से याद है फ्रेंड्स के जो पर्सनल इश्यूज में भी ही हैज डन सो मेनी हेल्प्स टू सो मेनी पीपल फ्रेंडशिप में, बट ही विल नॉट काउंट एनीथिंग टिल डेट ही इज डूइंग। इवन कोरोना में भी काफ़ी फैमिलीज को ही हैज हेल्प्ड हैदराबाद में उनको एडमिशन दिलाने में, वैक्सीनेशंस देने में, सो मेनी पीपल स्टिल टिल डेट दे यूज टू टेल अगर भरत ही हैज नॉट हेल्प मी देन वाट वॉज माई दिस थिंग, सो मेनी थिंग्स ऐसा काफ़ी अक्सर हम लोग, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन इन द बिजनेस, अब हम लोग करीब से देख रहे हैं नेशनल अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स सो मेनी अवार्ड्स ही हैज गॉट, एंड जो उनका उनके जो यूनिट्स हेडिंग सो मेनी यूनिट्स, ऑल यूनिट्स आर इन गुड पोजिशन एंड दे आर डूइंग वेल इन हिज लीडरशिप एंड एवरीबडी फील्स टू वर्क इन द गुड एनवायरमेंट एटमोस्फियर विथ हिम सब यूनिट हेड से डेली टच में रहते हैं, एनी टाइम एनी रेस्पॉन्स, ही इज अवर इमीडिएट बॉस, सो उनको ये फील होता है कि हाँ हमारा बॉस है, वेन एवर ही इज देयर वी कॉल हिम वील गेट सो सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन एंड ही विल गिव दैट सोल्यूशन ही इज द थिंग्स कंटिन्यू में हम लोग उनके साथ कैसे गुजर रहे क्या मालूम नहीं हुआ सो खेल से लेके हर इशू में है हमारे साथ में हमारे लाइफ, ही हैज मेड आवर लाइफ और चेंज उनके साथ रहे तो क्या खाना है कैसे इंसान कैसे बनना है, ही विल थॉट यू बताते नहीं ऐसा नहीं इसको ऐसा करना है उसको ऐसा करे तो आपको अच्छा रिजल्ट्स आता, ये एडवाइजेबल कौन भी मिलना मुश्किल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है समझिए जो हमारे लिए एक ऐसा बंदे को दोस्त बनाया है जो हर चीज़ में साथ दोस्ती में और निजी ज़िंदगी में हमारे मसलों में हल देने में सबके लिए बहुत वी आर वेरी प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ गिवन सच ए गुड ब्यूटीफुल एंड गुड काइंड हार्टेड फ्रेंड ऐसा है। तो टीजी भरत के वालिद टीजी वेंकटेश का कहना है कि इनका बेटा एक होनहार और डिसिप्लिन और वेल कमिटमेंट वाला है और बात देकर मुकरने वालों में से नहीं है। मेरा सन भरत का तारीफ करने का अच्छा ही नहीं दिखेगा, फिर भी उसका कैरेक्टर बोलना है, उन्हें भी बहुत डिसिप्लिन बॉय, स्मोक करता नहीं, अल्कोहल पीता नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करता है, कमिटमेंट्स हानर करता है, एंड लवेबल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल बॉय, कर्नूल में पढ़ा है, लंदन में भी पढ़ा है, मद्रास में भी पढ़ा है, सबसे एक है लवेबल पर्सनालिटी एंड रेस्पेक्ट्स द एल्डर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, respecting the elders is a lead. Generally everybody should understand abhi ye zamane mein elders ko zara bhul jata hai, any elder so respecting elders is very important in the society, and uska friends bhi acha log hai, friends bhi acha kaam kar rahe to इनको भी नाम आता है, सो फॉर्चुनेटली इज हैविंग ए गुड सर्कल डिसिप्लिन सर्कल एंड इंडस्ट्री में भी अच्छा काम कर रहा है, ही गॉट दी अवार्ड्स आल्सो फॉर बेस्ट रनिंग द प्लांट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग द प्लांट एंड डे वन इज मेकिंग द प्रॉफिट्स ओनली इन हिज कंपनी, सो फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज
इज ए लवेबल अफेक्शनेट पर्सनालिटी एंड एज ए ग्लैमर बॉय एंड एट द सेम टाइम गुड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो. हमारा खानदान में सर्विस इज द फंडामेंटल. अवर एल्डर्स ऑल्सो पोलिटिकल सर्विस दे आर डूइंग, चार्टीज दे आर डूइंग. I continued same system and my son also is following same way. He is a sports lover and he is service oriented and doing big way service. And all places I can say he will be the competitive to me in all respects. And some of the areas he is crossed me also. I wish him that he will be successful in all round. Thank you. Syed Mahmood Peer, Bureau Report, The Peer Times.